आपको ना यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक इंस्पिरेशन और एक हिम्मत खुदा की तरफ से मिल जाती है, बिकॉज मामा शुरू से बोलती होती थी कि यूनिफॉर्म में एक ब्लेसिंग होती है ना। रखें ना रखें, लेकिन जरूर चैनल का ख्याल रखना आप। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो चैनल बीमार हो जाता है। और मैं कैमरा टर्न करती हूँ और दिखाती हूँ कितना ज्यादा मेरे तक ना करें, लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब तो करें ना करें, इसने तो ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहते हैं। पानी यकीन मानी इतना नहीं आता, बाद में बंदा समझता है कि 700-800 में बंदा जाफर पे बैठ के लाहौर नहीं पहुँच गया। तो ये ख्याल माँ और डैडी ने सुबह सुबह जो है वो बिरयानी बनाई है, और मम्मा एक बार ऊंचे काम देख लें। गाइस ये देखिए मेरी फैमिली है जो मुझे बिना सलाम आ रही जो है बिरयानी खाना। Hey guys, this is Sanya Sher. Welcome back to my YouTube channel, which is Sanya Sher Lively. Hope you guys all are fine, fit, fat, ठीक ठाक, सब खुश होंगे, मजे में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी इसी तरह अपनी लाइफ को आज एंजॉय करने आई हूँ। और मैं कहाँ हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और मैं अपनी फैमिली से सबसे पहले आपको मिलवा देती हूँ, और पीछे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। पता नहीं हमें डैडी कौन से रास्ता से सी साइड लेकर आए हैं। सारे कहते रहते हैं दादो भी आई है हमारी, मम्मा आई है, डैडी आई है। व्लॉग देखेंगे सनिया का तो रिश्मा खान आपको ये रिश्मा का दीवाना है। और मैं कैमरा टर्न करती हूँ और दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा हम लोगों को मजा आ रहा है। मम्मा और डैडी ने सुबह सुबह जो है वो बिरयानी बनाई है, और मम्मा यहाँ पे हमें सर्व कर रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मम्मा आपको कैसा लग रहा है? मम्मा बोल रही हैं कि खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों की दादी भी साथ हैं। दादी जी हेलो करें। मजबूती होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग हेलो और डैडी भी साथ बैठे हुए हैं। सबको बहुत मज़ा आ रहा है। आई विश के मेरा भी कोई इसी तरह से वीडियो कैप्चर करे और ऊंच के काम देख लें। और मम्मा को जो है ना वो मम्मा कोल्ड ड्रिंक को बहुत मिस कर रही हैं। साथ रहिए और आप लोग भी गाइस बिरयानी खा लें, यम यम। गाइस ये देखिए मेरी फैमिली है जो मुझे बिना सलाम आ रही जो है बिरयानी खाना स्टार्ट हो गए हैं। और सुबह ही मम्मा ने उठ के बिरयानी बना ली थी। मम्मा हेलो कर दें प्लीज़। हम लोग चर्च गए और उसके बाद हम यहाँ आए हैं। वो अलीशा बैठा है और ये सब अरूज की प्लानिंग दिखाएँ आप मेरे व्यूअर्स को दे रही हैं, मेरे व्यूअर्स को दे रही हैं। वाओ साथ रहिएगा। चलो सही है दादी जी, तुसी सन चर्च तो वापस लेके जा रहे हो, सही ड्राइव कर रहे हो। अंदर से ही निकाल लेता। शाबाश, वाह जी वाह, सेकंड ड्राइवर एल लो। तो कैसे हैं फैमिली, हम लोग सब पहुंच गए हैं खैर खैरियत से। तो नाइट के अच्छा बाद नाइट के बाद ये मेरे को सी साइड के लिए उठा के ले गए थे। अच्छा, चलो खैर पहले ज्यादा नाइट की तो थकावट नहीं हुई, लेकिन जैसे गए हैं उस हाल से मैं आपको बताता चलूं कि डैडी ने बहुत ही ज्यादा कुछ लंबा ले लिया था रास्ता। तो खैर पहुंच गए थे और वापस भी आ गए हैं, लेकिन जाते हुए तो यही लग रहा था कि आज वापस मुश्किल ही है। लेकिन पहुंच गए हैं तो आप ब्लॉग को देखा करें, एंजॉय किया करें। तो दुआ करें बस जल्दी जल्दी मेरा कलर थोड़ा फेयर हो जाए, मैं भी काला हो गया हूँ तो थोड़ा प्यारा सा बन जाऊँ, तो फिर इंशाल्लाह आपके पास
मैं भी व्लॉग्स बनाना शुरू करूंगा। तो अगर इंडिया में रिश्वा है तो रिश्वा खान को हेलो हाय। बस और क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत कोई साढ़े लखा सब्सक्राइबर्स आप लोग कमेंट करें ना करें, लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, इसने तो ऐसे ही व्लॉग बनाते रहना है और दुनिया को जो है वो ऐसे ही फजूल में शो कराते रहना है कि मैंने बॉटल ली है 700-800 रुपए की, देखो मेरी और पानी, हालांकि इसमें पानी यकीन माने इतना भी नहीं आता, बाद में बंदा सोचते है कि 700-800 में बंदा जाफर पे बैठ के लाहौर क्यों नहीं पहुँच गया। कर दी थी मेरी, चलो बंद कर लेंगे यार, इतना मज़े का और प्यारा मौसम हो रहा है ना, लेकिन मेरी आंखें इतनी दर्द कर रही है ना कि अभी शाम के 4-4:30 हो रहे हैं और मेरे को फिर से नाइट ड्यूटी पे जाना है, वो भी आईसीयू में। तो खुदा ही है जो खैर करे और मेरे को हिम्मत दे, यू नो, लेकिन आपको ना यूनिफॉर्म पहनने के बाद एक इंस्पिरेशन और एक हिम्मत खुदा की तरफ से मिल जाती है, बिकॉज मम्मा शुरू से बोलती होती थी कि यूनिफॉर्म में एक ब्लेसिंग होती है ना। सो मैंने फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर लिया और दादी को हमारा जो है बाहर ले जाने का थोड़ा प्लान था वो भी हो गया, चर्च भी चले गए हम लोग, तो बहुत ही पॉजिटिव सा और एक ब्लेस्ड सा डे रहा है। सो होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, इसी तरह मेरे व्लॉग्स देखते रहिए और थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमेशा तंग करने आ रहता है जब भी सारे पता है, ठीक है, फिर वो मेरी बोतल, मैंने सही कहा था ना, ये बोतल का कोई फायदा फूदा कोई नहीं, पानी वो चुल्लू भर भी नहीं आता। साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपना ख्याल रखें ना रखें, लेकिन जरूर चैनल का ख्याल रखना आप। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो फिर चैनल बीमार हो जाता है। लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ओवर एक्टिंग कर रही हूं बहुत ज्यादा, इसको लग रहा है कि मैं एडिटिंग में ये वाला पार्ट कट कर दूंगी, लेकिन तुम्हें पता है कि जदों तक मैंने तंग इतना ज्यादा करना शुरू किया मैं कोई भी पार्ट जो कट नहीं करती हूँ। और अभी मैं किचन में जाकर, तो ये है कि मैं कोई व्लॉग देखता भी नहीं, ये बात है, और किचन में जाकर जाना, मैं मम्मा की थोड़ी हेल्प करवाती हूँ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और नेक्स्ट व्लॉग के आने का इंतजार कीजिए, साथ रहिएगा।